एक समय की बात है, एक शांत और सुंदर गांव में एक कबूतरी रहती थी। कबूतरी आसमान में उड़ना पसंद करती थी और दिन भर खेतों में घूमती थी। एक दिन कबूतरी ने एक सुनहरे अंडे को देखा। अंडा बहुत चमकदार और खूबसूरत था। कबूतरी ने सोचा, यह अंडा तो बहुत खास है, मैं इसे अपने घोंसले में रखूंगी। कबूतरी ने अंडे को अपने घोंसले में ले जाकर रखा। हर दिन वह अंडे की देखभाल करती, उसे गर्मी देती और उसकी सुरक्षा करती। कुछ दिनों बाद अंडा फटा और उसमें से एक सुंदर सुनहरी चिड़िया निकली। चिड़िया ने कहा, धन्यवाद कबूतरी, तुमने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की, मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा करती हूँ। कबूतरी बहुत खुश हुई और उसने अपनी पहली इच्छा मानी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हमेशा खाने के लिए पर्याप्त अनाज हो। चिड़िया ने एक जादुई झटका दिया और कबूतरी के पास अनाज का ढेर लग गया। दूसरी इच्छा में कबूतरी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऊंचाई पर उड़ सकूं। चिड़िया ने फिर से जादुई झटका दिया और कबूतरी के पंख मजबूत हो गए। अब कबूतरी ने तीसरी इच्छा के बारे में सोचा। उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे सभी दोस्त भी खुश रहें और उन्हें भी खाने की कमी न हो। चिड़िया ने फिर से जादुई झटका दिया और गांव के सभी पक्षियों के पास खाने का पर्याप्त भंडार आ गया। चिड़िया ने कहा, तुमने अपनी इच्छाएं बहुत अच्छे से चुनी हैं, कबूतरी मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। फिर वह उड़ गई और कबूतरी ने सोचा कि वह अपनी खुशियों को अपने दोस्तों के साथ साझा करेगी। इस तरह कबूतरी ने न केवल अपनी इच्छाएं पूरी की बल्कि अपने दोस्तों के लिए भी खुशी फैलाई। सभी पक्षियों ने मिलकर खुशी मनाई और कबूतरी का धन्यवाद किया। कहानी का नैतिक, सच्ची खुशी तब होती है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।